हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं आपको ये राउंड शेप में टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आप इसको टेबल मैट भी बना के यूज कर सकते हो, थोड़ा सा और बड़ा बना के पूजा का आसन बना सकते हो, डोरमेट बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने दो कलर का यूज किया है और मैंने ये 30 फंदे से इसमें मैंने स्टार्टिंग की है। यहाँ पे बढ़ के हमारे 35 फंदे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें ये ऊन से बनाया है, ये पतली ऊन थी, पुरानी ऊन थी, तो मैंने इसको डबल किया हुआ है। अगर आप इसको चुन्नी या मैक्रम से बनाना चाहो तो उससे भी आसानी से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन को समझने के लिए प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिए। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है, ये देखिए। और इसमें फ्रेंड्स मैंने 9 नंबर की नीडल का यूज किया है, क्योंकि मैंने इस ऊन को डबल कर रखा है। तो देखिए, ये देखिए, ये 15 फंदे मैंने ये डाले हैं, बिल्कुल सिंपल, कोई रो अभी मैंने नहीं उतारी है। और 15 फंदे मैंने ये दोनों कलर में मैंने आधे आधे फंदे डाल लिए। अब देखिए, ये हम उल्टा उल्टा दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही इसको बनाएंगे। ये हम बेसिक रो बनाएंगे, दोनों कलर हम अपने ज्वाइंट कर लेंगे, फिर हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप जितना मर्जी चाहो बड़ा बना सकते हो, दोनों फंदे आप बराबर डालिएगा। ये देखिए, ये हमारा ये बन गया। अब हम इनको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इस धागे को फ्रेंड्स हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे और नीचे वाले को ऐसे इसके ऊपर से ऐसे लेके आएंगे। इसको थोड़ा सा आप ऐसे खींच दीजिए और ये हम सारी रो इससे बनाएंगे। ये दो रो उतारेंगे हम, उनमें हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही रखेंगे। देखिए, ये रो उतार ली। एक बार फ्रेंड्स मैं यहां तक बना लेती हूँ, फिर मैं बताऊंगी ये हमें कैसे करना है। तो मैं यहां तक इसको बना लेती हूँ। देखिए, यहां तक हम उल्टा उल्टा बना के आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, इस धागे को हम पीछे कर देंगे। ध्यान से देखिए, ये हमने पीछे कर दिया और पीछे से ऐसे क्रॉस करके ऐसे लेके आएंगे। इस रो में हमारा ज्वाइंट अच्छे से लग जाएगा। ये देखिए, इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए। ये सारे ही फंदे हम बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाले धागे को देखिए, धागे को पीछे करके उनको, और आपने इसको ऐसे सीधा बनाना है। तो देखिए, दो हमारी बेसिक रो हमने बना ली, कलर हमारे ज्वाइंट हो गए। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ से हम धागा क्रॉस करते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये रॉन्ग साइड से कुछ ऐसे, जैसे हम सिलाई करते हैं ऐसे ही हमारी सिलाई जैसा कुछ डिजाइन बनता है, उससे हमारा देखिए
बीच में हम इसमें गैपिंग नहीं रहेगी, इसलिए आप हर बार धागे को क्रॉस जरूर करिएगा। अब देखिए, अब हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं, तो यहाँ से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, देखिए फर्स्ट वाले को उतारा, इस फंदे को एक बार हम ऐसे बना लेंगे, धागा पीछे करके एक बार और बना देंगे। एक तरीका और बताऊंगी फ्रेंड्स मैं अगली रो में। ये देखिए एक फंदे के दो फंदे हमारे हो गए, बाकी के फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए इसको हम पीछे करेंगे, पीछे से धागा क्रॉस करके ये देखिए आगे लेके आएंगे। और ये फंदे हम सारे बनाएंगे और लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे। तीस फंदे फ्रेंड्स हमारे, हम 10-10 फंदे डिवाइड करेंगे। पहले 10 फंदे का बताऊंगी हमें क्या करना है, फिर आगे वाले 10 फंदे का बताऊंगी और फिर लास्ट वाले 10 फंदे का। ये देखिए दो हमने पीछे छोड़ दिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो मैं यहां तक बना लेती हूँ, फिर मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए ये धागा हमारा इधर है, इसको हम ऐसे कर लेंगे और इसको हम ऐसे ले आएंगे। तो थोड़ा सा आप ऐसे खींच दीजिएगा और ये सारी रो हम बना के कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं और बताऊंगी, फिर मैं ये पूरे 5 फंदे बढ़ाने के बाद आगे का आपको बताऊंगी। ये देखिए सारे ही फंदे हम बना लेंगे, ये हमारा बड़ा हुआ फंदा, इसको भी बना लेंगे। धागे को पीछे करके किनारे वाले को हम सीधा बनाएंगे। फ्रेंड्स देखिए किनारे वाले को हम जब सीधा बनाते हैं तो ये देखिए ये हमारी एक चोटी जैसी एक किनारी बहुत ही सफाई के साथ बनेगी आपकी, अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो। देखिए इसको हम ऐसे ही उतारेंगे। एक तरीका और आप देख लीजिए फंदा बढ़ाने का, ये जो हमारा है ये देखिए यहाँ से आप इसमें यहाँ से निडल डालिएगा फर्स्ट वाले में से, और आप यहाँ से एक फंदा ऐसे बना निकालिएगा और फिर इसको ऐसे बना लीजिए। ये हमारे एक फंदे के दो फंदे हो गए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फंदा बढ़ा लिया है, पीछे मैं दो फंदे छोड़ दूंगी और यहाँ पे मैं ऐसे ही धागे को क्रॉस कराऊंगी। तो मैं यहाँ पे 10 फंदे छोड़ देती हूँ, दो दो करके, दो छोड़ दिए, 8 फंदे और छोड़ दूंगी। तो मैं इसको इतना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ऊपर का बताऊंगी। इतना हमारा ये बन जाएगा, 5 फंदे तक मैं बढ़ाऊंगी, दो मैंने बढ़ा लिए, 3 और बढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैं हमने 5 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब ये मेरे पास 15 फंदे थे, तो आप देख सकते हो ये मेरे पास 20 फंदे हो गए और ये पीछे 15 फंदे हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक मैंने दो दो करके छोड़ दिए 10 फंदे। अब ये आगे के 10 फंदे देखिए 1, 2 और ये जो हम जोड़ा फंदों का छोड़ते हैं, तो जब यहाँ तक आएंगे तो एक ये ले लेंगे और एक ये भी हमारा जोड़ा ही है। देखिए दोबारा बताऊं मैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक हम छोड़ दिया है हमने। अब देखिए आगे 1, 2, 3, 4 और 5 ये 10 फंदे और हमने दो दो करके छोड़ने हैं। बाकी के ये 10 फंदे हैं हमारे आगे और 5 हमारे बड़े हुए, इनका मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये 10 फंदों का हमने क्या करना है वो आप देखिए। अब यहाँ पे हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि इसकी जो फ्लावर की फ्रेंड्स ये जो गोलाई बनेगी, ये गोलाई अब हमें बनानी है। तो ऐसे ही हम इसको बनाएंगे, 5 बार हम इसमें
रो उतारेंगे और उल्टी सीधी तरफ से लगाओ तो 10 रो हो गई। और पीछे हमारे 10 फंदे हैं वो हमने 5 बार दो दो करके छोड़ने हैं, जैसे हमने पहले छोड़े थे जब हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया था। लेकिन अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और पीछे फंदे हम ऐसे ही छोड़ेंगे। और जब यहाँ पे आ जाए तो एक ही दर का और एक ही दर का आप दोनों तरफ से एक एक लेके छोड़ दीजिए। इसको आगे करेंगे और ये देखिए ये 2 फंदे भी हम छोड़ देंगे। पहले हमने ये छोड़े थे, अब हम ये छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। यहां से हम ऐसे क्रॉस कराएंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारा ये सिलाई की तरह सिलता जाएगा। तो एक बार मैंने उतार के दिखा दिया आपको, ऐसे ही आपने पीछे 10 फंदे दो दो करके छोड़ने हैं। बाकी के 10 फंदे हमारे वो रह जाएंगे और 5 बड़े हुए 15 फंदे उनका मैं आपको ये बनाने के बाद बताऊंगी उनका हमें क्या करना है। 30 फंदे हमने 3 बार हमने इसको डिवाइड किया है। इसको देखिए आप ऐसे सीधा बनाइए। ये देखिए ये प्यारी सी लाइन बनेगी पूरी फिनिशिंग के साथ आपकी। तो फ्रेंड्स मैं इसको बना लेती हूँ। यहाँ पे हम कोई फंदा नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही बनाएंगे और पीछे हम दो दो फंदे छोड़ के हम इसको पूरा 10 फंदे छोड़ लेते। 2 मैंने छोड़ दिए, 8 फंदे मैं और छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया था लेकिन मैं आपको एक बार दिखा दूं। यहां तक हमने छोड़ लिए थे, अब मैंने ये फंदे छोड़े हैं तो एक ये छोड़ दिया और एक ये छोड़ दिया। ये हमारा दोनों मिला के एक एक दोनों कलर का जोड़ा हो गया। तो हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। अब इस कलर का हम बाद में यूज करेंगे, अब हम ऊपर पिंक से ही बनाएंगे एक एक सिंगल कलर से, क्योंकि यहां तक हमने फंदे छोड़ दिए हैं। अब ब्लू कलर का हमारा ऊपर कोई काम नहीं है। एक बार मैंने आपको ये दिखा दिया कि ऐसे हमने एक उस कलर का और एक उस कलर का जोड़ा बना के फंदे छोड़ने हैं। तो मैं इसको कर लेती हूँ। अब मैं पूरे 10 फंदे घटा के फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए यहां से हमारे फ्लावर की गोलाई बन गई है कली की। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं, ये 30 फंदे हमने 3 बार डिवाइड करे थे तो 2 बार के हमने 20 फंदे बना लिए हैं। ये देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहां तक हमने फंदे दो दो करके ये आपको दिखाई देंगे छोड़ दिए हैं। और ये आगे के हमारे अब 10 फंदे बच गए और 5 हमारे बड़े हुए। देखिए 1 2 3 4 5 जोड़े से मैंने गिने हैं और ये हमारे बड़े हुए फंदे हैं। तो अब हमने इनको बनाना है, इनको अब हम नहीं छेड़ेंगे। तो जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे ऐसे ही हम घटाएंगे। ये देखिए यहां से हमने सेकंड वाले फंदे से बढ़ाए थे तो यहीं से हम 2 का 1 करेंगे। एक फंदा हमारा घट गया और जहां तक हम फंदे छोड़ते आए हैं उसके आगे से हम 2 फंदे छोड़ देंगे। आप अगर बड़ा बनाओ फ्रेंड्स तो आप उसी हिसाब से अपने फंदे 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। मैंने दो दो का पेयर बनाया है, आप तीन तीन का भी पेयर बना सकते हैं, फंदे का चार चार का पेयर भी बना सकते हो। डिजाइन ऐसे ही डलेगा, ज्यादा फंदे हैं तो ज्यादा आप फंदे का पेयर बना के उसको 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। और जैसे मैंने ऐसे 10 10 फंदे अलग अलग आपको समझाए हैं ऐसे ही आप बना लीजिए। ऊपर मैंने 5 5 फंदे बढ़ाए हैं। अगर आपको फ्रेंड्स ये फ्लावर की ज्यादा बड़ी शेप देनी है तो आप यहाँ पे ज्यादा फंदे बढ़ा लीजिए, लेकिन उतने ही फंदे फिर आप घटाइएगा। ये देखिए एक फिर हम घटा लेंगे। एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 फंदे फ्रेंड्स मैंने घटा लिए, 2 फंदे और मैं घटाऊंगी ऐसे ही। लास्ट वाला फंदा हम कैसे घटाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी।
ये देखिए मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊं। ये देखिए यहाँ तक हमने फंदे छोड़ दिए हैं, ये एक मेरा फंदा बचा हुआ है, चार हमने घटा लिए और आप देख सकते हो ये हमारी शेप बन गई। तो देखिए दो दो करके हमने सारे फंदे छोड़ दिए। अब हमें क्या करना है, ये लास्ट का फंदा भी हम अब ऐसे घटाएंगे। ये पांचवा फंदा है हमारा, इसको भी हम दो का एक कर लेंगे। ये देखिए, और इस रो को हम जहां तक हमारा ये कलर है वहां तक हम इसको इस कलर से ही बना के कंप्लीट करेंगे। एक बार की फ्रेंड्स हमारी ये कली कंप्लीट हो गई। ये देखिए यहां तक हम इसको इस कलर से बनाएंगे। अब धागे को पीछे करेंगे और पीछे से दूसरा ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे और ये हम इस कलर से बनाएंगे। तो ये बीच में हमारा बिल्कुल गोल सर्कल बन के कंप्लीट होगा फ्रेंड्स इस कलर से। ये देखिए एक बार जब हम फंदे बढ़ा लेंगे घटा लेंगे हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा, तो इन फंदों को हम एंड तक बनाएंगे। ये देखिए, और अगर फ्रेंड्स आपको ऊपर के फ्लावर में अलग कलर लगाना है और नीचे का सर्कल आपने एक ही कलर से बनाना है, तो इसको आप यहां तक बना लिए, यहां से आप इस साइड से अपना दूसरा कलर इसमें आप लगा सकते हो। तो इतना इतनी इतनी ये हमारी फ्लावर की डिब्बिया बनेंगी अलग अलग कलर की। अगर आपके पास थोड़ी थोड़ी ऊन है तो आप ऐसे भी उसको यूज कर सकते हो। अब देखिए इस रो में हम कुछ नहीं करेंगे, ये रो हम ऐसे ही बनाएंगे। अगर आपको सेकंड कलर इसमें लगाना है तो आप इसमें लगा लीजिए। अगर आपको पूरा एक कलर से सर्कल नहीं बनाना है तो आप यहां से भी दूसरा कलर लगा सकते हो, अपनी चॉइस से आप इसको कैसे भी इसमें रंग भर सकते हो। ये देखिए, ये आप ऐसे क्रॉस करना मत भूलिएगा। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही आपका बनेगा। इस रो को हम ऐसे ही उतारेंगे, अगली रो से फिर हम अपना वैसे ही डिजाइन रिपीट करेंगे जैसा हमने नीचे से किया था। बहुत आसान है फ्रेंड्स, बिगिनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे। ये देखिए इसको हम ऐसे सीधा ही बनाएंगे। तो एक बार का हमारा डिजाइन पूरा हो गया। अब फिर से हम ऐसे ही एक फंदा बढ़ाएंगे। तो फंदा फ्रेंड्स आप ऐसे भी बढ़ा सकते हो। ये देखिए इसको एक बार पीछे से बनाया, धागा आगे किया, ऐसे भी आप इसमें बढ़ा सकते हो। और ये सारे ही फंदे हम बना लेंगे और लास्ट में दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए, तो ऐसे ही जब फ्रेंड्स आप कंटिन्यू बनाओगे तो देखिए ये सुंदर सा आपका ये फ्लावर बनके कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना, और आपको ये डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं नई डिजाइन की तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नई डिजाइन के साथ। थैंक यू।